हेलो फ्रेंड, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैसे अपने स्क्रीनशॉट को रखते हैं और कैसे निकाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर पर्सनलाइज ऑप्शन देते हैं। तो ये पर्सनलाइज वाला मेनू खुल गया है। यहाँ पर हमें नीचे की तरफ स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है। तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि कितने सारे ऑप्शन है, जैसे कि ये सारे मैं दिखाई देता हूँ। हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि कैसा कैसा ये इफेक्ट आते हैं। यहाँ पर हम अपना फोटोग्राफ भी रख सकते हैं, अपना कोई टेक्स्ट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट का आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने नाम का एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे बनाता है। यहाँ पर हम 3D टेक्स्ट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम मेरा नाम डाल देता हूँ। इसके बाद हम प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ऐसे मेरा स्क्रीनशॉट आएगा और इसके बाद हमें ओके दे देना है ताकि हमारा स्क्रीनशॉट सेट हो जाए। तो हम अभी एक मिनट तक देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये स्क्रीनशॉट आ गया है। तो हम अब हम सीखेंगे कि कैसे अपना स्क्रीनशॉट को निकाल देते हैं। तो हमें फिर से पर्सनलाइज पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नन ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके दे देना है। तो हमारा स्क्रीनशॉट निकल जाएगा।